स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर एज वेल एज अ न्यू कॉन्सेप्ट। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, हम डेली लाइफ में जो भी वर्क करते हैं उसके पीछे हमारी एक साइंस होती है, ठीक है। हम अवॉइड कर देते हैं उस साइंस को। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, जो हमारे नॉर्मल डेली बेसिस के जो वर्क होते हैं उस पर हम क्या करेंगे, जो साइंस है वो पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वेटेज भी अच्छी है और इसके जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड हैं। ये है हमारे चैप्टर 4, दैट इज़ वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। इसमें क्या करेंगे बेटा, इसे हम वर्क, एनर्जी और पावर के टर्म्स में पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको कराऊंगी वर्क, कि हमारे जो भी वर्क होता है, किसी भी हम काम को करते हैं उसके पीछे हमारा वर्क डन क्या लगता है, क्या फोर्स होता है, क्या हमारी वैल्यूज़ होती हैं। तो सिंपली वो हमारी साइंस है जो आज वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने वर्क पढ़ा होगा, वर्क अपने आपने प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ा होगा। वर्क हम सिंपली कैसे डिफाइन करते थे, कि इट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या है, मेरी डिस्प्लेसमेंट एंड इट विल बी फोर्स। तो मैं वर्क को क्या करती थी बेटा, वर्क को मैं सिंपली प्रोडक्ट बना देते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। वो क्यों बना देते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट ही क्यों, फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्यों नहीं। तो वर्क क्या होता है बेटा, वर्क होता है हमारा, वर्क को मैं डिफाइन करती हूँ कि मैंने कितना फोर्स लगाया उस काम को करने के लिए और फोर्स लगाने के बाद कितना चेंज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी एक ये पेन रखा है, ठीक है, मैंने उस पर लगाया फोर्स, यहाँ थी उसकी वैल्यू, पहले इनिशियल थी, यहाँ पर मूव कर गया वो इस पोजिशन पर, ठीक है। तो जो ये मूव कर गया इस पोजिशन पर एस, और जो मैंने फोर्स लगाया वो, इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे क्या दे देगा, वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन सिंपली क्या होता है, वर्क डन इज सेट टू बी डन इफ द अप्लाइड फोर्स डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं वर्क कब बोलूंगी कि हाँ हो गया है, वह वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन अप्लाइड फोर्स डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आता था बेटा प्रोडक्ट, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, ठीक है। तो वर्क डन मेरा क्या हुआ, फोर्स इनटू एस। अब देखो बेटा, कोई भी मैंने फोर्स लगाया यहाँ पे, कोई भी एक बॉडी थी यहाँ, वो डिस्प्लेस हो गई इस पोजीशन पे, उसने क्या लिया डिस्टेंस एस, फोर्स लगाया मैंने, इसे मूव कराया, तो मेरा वर्क डन आया फोर्स इनटू एस। फोर्स मैंने हॉरिजॉन्टली लगाया, फोर्स यहाँ पे एक्ट किया हॉरिजॉन्टली फोर्स। ये आपके कंसेप्ट में पूछ लेते हैं कि हॉरिजॉन्टली फोर्स कराया तो यहाँ पे मेरा वर्क डन क्या आया, एफ एस, ठीक है। अब देखो, मैंने कोई फोर्स लगाया बेटा वर्टिकली, वर्टिकली इस पर मैंने फोर्स लगाया कोई भी एफ, किसी भी एक थीटा से, तो यहाँ पे हुआ थीटा, यहाँ पे हुआ ये कॉम्पोनेंट्स हुए, थीटा के साथ वाला कॉम्पोनेंट होगा एफ कोस थीटा, इट विल बी एफ साइन थीटा, और यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ, ये डिस्टेंस हुई मेरी एस, ठीक है। तो हमेशा जो मेरा वर्क डन होता है बेटा, वर्क डन होता है मेरा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है फोर्स एंड मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल ऑफ फोर्स मेरा यहाँ पे क्या है बेटा, कंपोनेंट है एफ कोस थीटा, और ये क्या है मेरा एस, देन वर्क डन विल बी एफ एस कोस थीटा, ठीक है। और वर्टिकल आपने, ठीक है, आपने वेक्टर्स पढ़े थे, वेक्टर्स में क्या होता है, जब एफ एस कोस थीटा होगा इट मीन्स ए क्रॉस बी कोस थीटा होता है, तो मेरा क्या हो जाता है ए डॉट बी, तो यहाँ से मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा एफ डॉट एस, ठीक है। तो यहाँ से मेरा वर्क डन क्या हुआ एफ डॉट एस। और जो मेरा वर्क डन होता है वो क्या होता है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये आपसे एग्जामिनर पूछ लेते हैं वर्क डन इज स्केलर वेक्टर और क्या, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क डन की डायरेक्शन नहीं होती है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड कौन देगा हमें, मैग्नीट्यूड देगा हमारा जो फोर्स है, अगर हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट होती है बेटा जूल, जे से डिफाइन करते हैं, और इसकी सीजीएस यूनिट होती है अर्ज, ठीक है। ये बेटा सिंपली वर्क डन हमारा होता है थ्री ऑफ टाइप का, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, थ्री टाइप्स का, वो क्या होता है, द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकेंड वन इज नेगेटिव वर्क डन, एंड द फोर्थ वन इज जीरो वर्क डन, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड और हमारा थर्ड वन क्या होगा, जीरो वर्क डन, ठीक है। अब देखो मेरा पॉजिटिव वर्क डन कब होगा,
अब बेटा मैंने कोई भी एक बॉडी को अपवर्ड किया, ठीक है, मैंने क्या किया उसे अपवर्ड थ्रो किया है, ठीक है, मेरा सिंपली देखो वर्टन क्या होता है, एफ एस कोसीटा, ठीक है, तो मेरा एफ एस कोसीटा, अब थीटा से लेते हैं फर्स्ट केस है, इफ माई थीटा इज इक्वल टू 0, अगर मेरा थीटा 0 तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, एफ डॉट एस और कोसीटा कोस 0 1, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस, ठीक है, तो मेरा जब यहाँ पे वैल्यू आई एफ एस, यहाँ पे देखो मैंने कोई भी अप्लाइड किया फोर्स डिस्प्लेस किया, ठीक है, वर्क डन मेरा पॉजिटिव होगा बेटा जब कोई भी मैंने अप्लाई फोर्स किया और जो मेरी डिस्प्लेसमेंट हुई वो क्या हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया अपवर्ड, मैंने कोई भी एक बॉडी अपवर्ड थ्रो करी है, मैंने फोर्स किस तरफ अप्लाइड किया अपवर्ड, वो डिस्प्लेस भी किस तरफ हो जाएगी अपवर्ड, तो यहाँ पे मेरा डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बेटा, सेम डायरेक्शन हो जाएगी और मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। अब देखो सेकेंड केस आता है व्हेन माई थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, इट मीन्स मैं बिल्कुल एकदम उसे ऐसे अपवर्ड पुश कर दूँ, ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन वर्क डन विल बी एफ एस कोस 90 एंड कोस 90 विल बी 0, देन वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ 0, 0 वैल्यू आई तो मेरा ये क्या हो जाएगा, 0 वर्क डन, ठीक है, 0 वर्क डन कैसे होता है बेटा, अब देखो आप कोई भी आप अपने सिर पे कनस्तर या कोई भी कुछ भी आप लेके जा रहे हैं, बाउल वगैरह या कुछ भी सामान लेके जा रहे हैं, क्या होगा वहां पे, क्या आपका सिर उस पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, नहीं, क्योंकि आप आपकी अर्थ किस पे, अर्थ है जो आप पे फोर्स एग्जर्ट कर रही है ना कि आपके सिर पे, ठीक है, तो वहां पे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेस आप हो रहे हो अर्थ से, क्या आपके सिर से रिलेटिव करूं तो क्या आपके सिर से जो आपने सिर पे रखा है वो होगा, डिस्प्लेस नहीं होगा वो आपके सिर पे, वो सिर पे रहेगा, तो उस केस में मेरा वर्क डन क्या हो जाता है, 0। द थर्ड केस लो अगर बेटा मेरा व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, इट मीन्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा दूँ, डिस्प्लेस मेरा इस डायरेक्शन में हो रखा हो, तो मेरे यहाँ से वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एफ एस बिकॉज कॉस 180 विल बी -1, देन वर्क डन मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, माइनस एफ एस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा नेगेटिव वर्क डन। आप देखो बेटा कोई भी आपने बॉडी अपवर्ड थ्रो करी थी वो क्या आएगी फिर नीचे, डिस्प्लेसमेंट मेरी किस तरफ हो जाएगी, डाउनवर्ड, और मैंने फोर्स किस तरफ लगाया था, जब मैंने अपवर्ड पुश करने के लिए फोर्स किस तरफ लगाया था, अपवर्ड, तो जब कोई भी बॉडी डाउनवर्ड आती है तब उस पर कौन सा वर्क डन एक्ट करता है, नेगेटिव, अगर कोई भी बॉडी अपवर्ड जाती है सेम डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाती है तो मेरा वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव, और 0 वर्क डन का आपको केस समझ आ गया, ठीक है। अब इसी पे बेटा सिंपली ना कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनर, थियरी नहीं पूछेगा कि व्हाट इज वर्क डन, ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें देखो द साइन ऑफ अ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज इंपॉर्टेंट, स्टेट द टाइप ऑफ अ वर्क डन इन द फॉलोइंग केसेस। अब देखो वर्क डन ऑफ अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वॉल बाय मीन्स ऑफ अ रॉप टाइड टू द बकेट। अब देखो कोई भी आपने एक फोर्स बाल्टी खींच रहे हो आप कुएं से, ठीक है, रॉप बांध दिया उस पर, फोर्स लगा रहे हो आप अपवर्ड उसे पुल करने के लिए अपनी तरफ, पुलिंग फोर्स लगेगा वहाँ पे अपवर्ड, कुएं से हमारे जो बाल्टी भी किस तरफ आएगी, आउटसाइड आएगी, तो मेरे यहाँ पे सेम डायरेक्शन हो गई फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की, तो मेरा फर्स्ट वर्क डन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। सेकेंड केस देखो वर्क डन ग्रेविटेशन फोर्स इन अबव केस, ठीक है, अब मैं पुश कर रही हूँ बेटा अपवर्ड, ठीक है, ग्रेविटेशनल वर्क डन पूछा है इसमें, मैंने पुश किया अपवर्ड, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लगेगा, नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन हुई अपोजिट, इट मीन्स मैग्नीट्यूड हुआ नेगेटिव, नेगेटिव मेरा एफ आ गया यहाँ पे, तो मेरा वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एस, ठीक है, तो माइनस आ गया तो मेरा वर्क डन क्या आ गया बेटा यहाँ पे, नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। अब देखो थर्ड केस है मेरा वर्क डन बाय अ फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। हमें पता है फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, अपोज करता है, फ्रिक्शन फोर्स मेरा अपोज करेगा इट मीन्स नेगेटिव है, तो मेरे यहाँ पे वर्क डन भी क्या आ गया, नेगेटिव वर्क डन, फोर्स मेरा नेगेटिव, देन वर्क डन ऑल्सो नेगेटिव। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें क्या होता है, वर्क डन हमने अप्लाइड फोर्स किया हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस,
विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किया हमने, ठीक है, हॉरिजॉन्टली वैल्यू है उसकी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव भी कर रही है, इट मीन्स मेरी फोर्स की वैल्यू भी है और एस की वैल्यू भी है, वो क्या है जिसमें हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लगा रखा है उसी हॉरिजॉन्टल सरफेस में मेरी वेलोसिटी जा रही है, इट मीन्स उसी में वो डिस्प्लेस कर रहा है, तो यहाँ से मेरा फोर्स वर्क डन क्या हो जाएगा, ऑल्सो पॉजिटिव वर्क डन, वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ एयर ऑन अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन अ ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। रेजिस्टेंस फोर्स ऑल्सो क्या होता है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स, रेजिस्ट करता है जो फोर्स वो क्या होगा, रेजिस्टेंस फोर्स। अब आप जा रहे हो इस तरफ, अब मैं आपको रजिस्ट करूँ, रजिस्ट करूँगी मैं अपोजिट डायरेक्शन में, आप जा रहे हो इस तरफ, मैं अपोज करूँगी इस डायरेक्शन में, इट मीन्स रजिस्टिव डायरेक्शन कौन सी होगी, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, तो रजिस्टिव फोर्स भी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अब फोर्स क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन को शो करते हैं हम सिर्फ नेगेटिव से, तो नेगेटिव अगर मेरा होगा, रजिस्ट कर रही हूँ मैं, आप जा रहे हो इस तरफ फोर्स लगाया, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हुई, अपोजिट, इसलिए वर्क डन क्या हुआ, नेगेटिव, तो यहाँ पे भी मेरा क्या आया, नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, ये बेटा थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद आता है, गार्डनर मूव्स अ लॉन रोलर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, कैलकुलेट हिज वेजेस इफ ही इज यूज्ड टू बी पेड 10 पैसे फॉर 25 जूल, इट इज गिवन दैट अप्लाइड फोर्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा, वो कितना कर जाता है 100 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर, फोर्स क्या है मेरी 50 न्यूटन एंड थीटा मुझे गिवन है 60 डिग्री, देन वर्क डन विल बी एफ एस कॉस 60। ओके, तो एफ एस है मेरा 50 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर और मेरा कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, दैट इज 50, दैट इज 250 100 जूल। ठीक है, अब मुझे पता है उसे टोटल वर्क डन उसने क्या कितना किया बेटा 2500 जूल, अगर उसे 25 जूल के लिए मिलते हैं 10 पैसे, देन उसे 2500 जूल वर्क डन करने के लिए कितने मिलेंगे, 10 × 25 × 2500। ओके, 25 से गया 100 पे, देन मुझे 2500 जूल करने के लिए उसे पैसे कितने मिलेंगे, 1000 रुपीज़, 1000 पैसे, इट मीन्स 10 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन आया आपको समझ में। इसके बाद आता है बेटा एनर्जी। ठीक है, वर्क डन के मेरे ऐसे ही होते हैं, बाद में एनर्जी वर्क और पावर के हम कोरिलेट करके अलग अलग एक्सप्रेशन करेंगे, सिंपली अब हम पढ़ेंगे एनर्जी। एनर्जी क्या होता है बेटा, एनर्जी होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, हम ये भी बोलते हैं कि आज तो भैया काम करने की बिल्कुल ही एनर्जी नहीं है, बिल्कुल ही मतलब थक गए हैं, तो वो क्या होता है बेटा, जो कैपेसिटी होती है काम करने की, वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, एनर्जी, सिंपली। ठीक है, टाइप्स होते हैं बेटे इसके, टाइप्स होते हैं 4 टाइप्स की होती है केमिकल एनर्जी, एनर्जी मेरी 4 टाइप की होती है, द फर्स्ट वन इज मैकेनिकल एनर्जी, द सेकेंड वन इज सोलर एनर्जी, थर्ड वन इज न्यूक्लियर एनर्जी एंड द फोर्थ वन इज केमिकल एनर्जी। ठीक है, ये आपसे कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सीबीएसई में नहीं पूछा जाता है कि मैकेनिकल को आप या सोलर को या केमिकल को या न्यूक्लियर एनर्जी को आप एक्सप्लेन करो। ठीक है, आप डेफिनेशन दो, ये आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में किया, 11th में आपके ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अब इससे हायर लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट होता है बेटा सबसे ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिकल एनर्जी के हमारे 2 टाइप्स होते हैं, द फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड द सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मेरी होती क्या है, यहाँ पे देखो बेटा कि कोई भी हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है जब हमारी कोई भी मोशन में लगती है, काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा है, काइनेटिक वर्ड से हमें क्या पता है, जो मोशन में होता है, तो जो एनर्जी हमारी मोशन में लगती है वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कोई भी बर्ड फ्लाई कर रहा है या फिर आप चल रहे हो, जो आपके चलने में आपकी एनर्जी वेस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है बेटा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब मैं प्रूव कराऊंगी कि हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर कैसे होता है, इसका जो
फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब सेकेंड एनर्जी होती है बेटा मेरी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा, जो पोजीशन से आती है, आप पी पी करके ऐसे याद भी कर सकते हैं, पी फॉर पोटेंशियल, पी फॉर पोजीशन, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू विच इट्स पोजीशन, ठीक है, ये होता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है एम जी एच, इसके लिए भी हम एक्सप्रेशन करेंगे, ठीक है। तो मेरी काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर और मेरी पोटेंशियल आती है एम जी एच, ठीक है। अब देखो बेटा मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन अगर करूँ, ठीक है, ये कोई भी एक बॉडी थी, ये अदर बॉडी है, ये डिस्प्लेस हुई एस से, एक्सलेशन लगा, ठीक है, कोई भी हमने एक्सलेट किया, फोर्स लगाया। अगर मेरी म्यू नॉट थी वेलोसिटी, अब मेरी फाइनल वेलोसिटी हुई वी, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम इनिशियली एट रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर, लेट एफ इज द फोर्स अप्लाइड सच दैट अ बॉडी डिस्प्लेसेस डायरेक्शन, अ बॉडी डिस्प्लेसेस डिस्टेंस एस, ए इज एक्सलरेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। तो मैं काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे निकालूंगी बेटा यहाँ पे, अब देखो वर्क डन क्या होता है मेरा, वर्क डन होता है मेरा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये होता है मेरा वर्क डन, एफ एस इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो मेरी क्या है इनिशियली एट रेस्ट इट मीन्स जीरो, फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी वी, ठीक है, और मेरा एक्सलरेशन क्या है ए, और मेरा डिस्टेंस क्या है यहाँ पे एस। तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू टू ए एस, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस की वैल्यू निकालूँ, वी स्क्वेयर यू स्क्वेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा जीरो, और डिवाइडेड बाई टू ए, ये क्या है मेरी डिस्टेंस जिससे वो डिस्प्लेस हुआ। इफ़ आई पुट इन इक्वेशन फर्स्ट देन एफ इज वर्क डन विल बी एफ मल्टीप्लाई बाई वी स्क्वेयर अपॉन टू ए, ओके। अब देखो मेरा एफ क्या होता है बेटा, एफ क्या होता है मेरा न्यूटन सेकेंड लॉ से एफ इज इक्वल्स टू एम ए, इफ आई पुट द वैल्यू वर्क डन इज इक्वल्स टू एम ए मल्टीप्लाई बाई वी स्क्वेयर बाई टू ए, ए से ए कैंसिल आउट हुआ, वर्क डन क्या आया मेरा यहाँ पे हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर, और जो मेरा यहाँ पे जो वर्क डन है, जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में, जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है वो किसकी फॉर्म में यूटिलाइज हो रही है वर्क डन की फॉर्म में, और जो मेरी मोशन है यहाँ पे तो ये किस फॉर्म में हो गई बेटा काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ गया हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर। कभी कभी वन मार्क में आपसे पूछ लेते हैं कि प्रूव करो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर। अब हम सेम करेंगे बेटा एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, या आपसे दोनों वन वन या टू टू मार्क्स में पूछ लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर प्रूव कीजिए और पोटेंशियल एनर्जी को एम जी एच प्रूव कीजिए, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जो एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, उसी ऑब्जेक्ट की जो पोजिशन होती है जिस पोजिशन पे वो लगती है एनर्जी वो क्या होती है मेरी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल कैसे होगा बेटा, अब देखो कोई भी एक एप्पल है या मैंगो है किसी भी एक ट्री पे लटका हुआ है, हैंग्ड है, तो उस पर एनर्जी जो उसकी पोजिशन की वजह से लग रही है वो कौन सी होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। या कोई भी हमारा डैम वगैरह है, ठीक है, वाटर स्टोर होता है किसी भी रिजर्वर में या डैम वगैरह में, तो वो क्या होता है हमारा वहाँ पे भी उस वाटर पे जो एनर्जी यूटिलाइज होती है वो कौन सी होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन कैसे करेंगे बेटा, इसका एक्सप्रेशन देखो कोई भी अर्थ है हमारी, कोई भी हमारा एक मास है जो अर्थ से अबोव है किसी भी एक हाइट पे है h, तो फोर्स यहाँ पे लगेगा ग्रेविटी की वजह से एम जी, ठीक है, ये मेरी डिस्टेंस है। तो ये क्या होगा बेटा, कंसिडर अ बॉडी ऑफ
ऑफ मास एम लिफ्टेड टू अ हाइट एच फ्रॉम द सरफेस टू द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क डन क्या होता है मेरा एफ एस। ठीक है, फोर्स मेरा यहाँ पे क्या लग रहा है, एम जी डाउनवर्ड फोर्स है। और जो मेरे डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो यहाँ पे एस कितनी है, एच। देन वर्क डन विल बी एम जी इंटू एच। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्क डन यूटिलाइज हो रहा है वो किस की फॉर्म में यूटिलाइज हो रहा है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की। तो यहाँ पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जो वर्क डन यूटिलाइज हो रहा है, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या आ जाएगी, एम जी एच। ठीक है, तो आपसे इस एम जी एच या आपको एम वी स्क्वायर प्रूव कराने के लिए कई बार 2-2 मार्क्स में आपसे पूछ लेते हैं। इसी के बेसिस पे बेटा वर्क भी किया आपने, एनर्जी भी किया। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो 3 या 4 मार्क्स में एग्जामिनर इस चैप्टर से पूछता ही है। ठीक है, कोई भी आपका यूनिट टेस्ट ले लो, या कोई भी आपके फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म एग्जाम्स ले लो, कोई भी आपके असाइनमेंट्स ले लो, या कोई भी आप अपना बोर्ड ले लो, ICSE CBSE, ये मैं आपको गारंटेड देती हूँ कि आपसे ये थ्योरम पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या है बेटा, ये थ्योरम है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी क्या होती है बेटा, ये स्टेट करती है कि वर्क डन जो हमारा होता है, वर्क डन वो क्या होता है, वो हमारा होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या हम कह सकते हैं गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कोई भी जैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी किसी भी एक पोजीशन पे हाफ एम वी स्क्वायर थी, या शुरुआत में हाफ एम यू स्क्वायर थी, एंड देन हमारी वेलोसिटी वी हो गई, तो हमारे उस पोजीशन पे क्या हो गई, वी हो गई, तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो मेरा वर्क डन वहाँ पे क्या होगा बेटा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ। अब मैं इस चीज़ को प्रूव कैसे करूँगी, इसमें क्या आता है, स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम एंड प्रूव इट। ठीक है, आपको स्टेट करना होता है, स्टेटिक का मीनिंग होता है कि आप इसे लिखोगे कि ये होती क्या है। ठीक है, आप इसे डिफाइन करोगे, एंड देन आपको क्या करनी है, प्रूव। ठीक है, तो प्रूफ क्या होता है बेटा, इसका प्रूफ होता है आप कंसीडर करेंगे, कंसीडर आ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विद आ इनिशियल वेलोसिटी यू, एंड इफ एफ इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी सच दैट एक्सेलरेशन ए इज प्रोड्यूस्ड द डिस्प्लेसमेंट एस। ठीक है, आप कोई भी एक बॉडी है जो जिसका मास क्या है एम, डिस्प्लेस कर रही है वो, उसकी वेलोसिटी क्या है वी, हमने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने से हमारे बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर देता है एस को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, हमें पता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए, इक्वेशन फर्स्ट हमें पता होती है ये बात। एज वी नो थर्ड इक्वेशन मेरी जो होती है मोशन की वो क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा v की भी वैल्यू है, u की भी वैल्यू है, 2as। ठीक है, तो मेरे यहाँ से s क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। और मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या ही है, f इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, तो यहाँ से मैं a की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से मेरी s क्या हो गई, 2a, इट इज इक्वेशन सेकेंड। अब मेरा वर्क डन क्या होता है बेटा, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू है मेरी एम ए, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है मेरी वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2a, देन ए से ए कैंसिल आउट हुआ, हाफ ऑफ एम
वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। अब मैं इसे कैसे करूँ, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वेयर। अब देखो बेटा ये क्या थी मेरी फाइनल वेलोसिटी, ये क्या थी मेरी इनिशियल वेलोसिटी, तो ये मेरी क्या हो जाएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल मेरा जो होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर जो हुआ मेरा गेन। फाइनल थी इनिशियल थी, ये मानो फाइनल है मेरी 4 और इनिशियल है मेरी 2, तो मेरा चेंज कितना होगा 4 माइनस 2 2, और जो मेरा 2 है ये क्या बेटा गेन हुआ 2 से हुआ 4, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ गेन इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन हो गया मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब क्या है बेटा ये हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही मेरी थ्योरम थी, आपको क्या करना है इसे सिर्फ स्टेट करके और क्या करना है यहाँ पे प्रूव करना है। इसके बाद हमारा एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता है जो आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में जो 2 या 3 मार्क्स में आपका न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं, आप सीधा उसमें एक ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वो होता है बेटा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ आपका ये 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि रिलेशन बताइए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में, या फिर आपका डायरेक्ट इससे क्या पूछ लेते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आपको बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है। इफ़ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एम, ठीक है, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया एम से, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आई, हाफ ऑफ एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई एम। एम वी मेरा क्या होता है यहाँ पे मोमेंटम, देयरफॉर पी पी विल बी एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर विल बी पी स्क्वेयर। अगर मैं यहाँ पे पी स्क्वेयर पुट करती हूँ देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी स्क्वेयर बाई एम, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई 2m, ठीक है। ये मेरी रिलेशन होती है काइनेटिक एनर्जी में और मोमेंटम में, ठीक है। इसके ऊपर आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं डायरेक्टली, या फिर आप थ्योरी के साथ 2 मार्क्स में इसे इंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अलग एक्सप्रेशन करेंगे पावर के साथ। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, थैंक यू सो मच।